हेलो स्टूडेंट्स, आर सी आई एजुहब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय क्या है, व्यवसाय होता क्या है। सबसे पहले हमें इसका ज्ञान होना जरूरी है। व्यवसाय का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा धनोपार्जन के लिए की गई समस्त क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा धनोपार्जन का मतलब है धन प्लस उपार्जन, धन कमाना। एक व्यक्ति कोई भी है, वह धन कमाने के लिए जो भी क्रियाएं करता है या जो भी कार्य करता है, वे सभी कार्य व्यवसाय कहलाते हैं। चाहे व्यक्ति द्वारा मजदूरी की जाए, चाहे व्यक्ति द्वारा रोजगार किया जाए, चाहे व्यक्ति द्वारा पैसा किया जाए या व्यापार किया जाए, सभी जो क्रियाएं हैं वे व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होती हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि व्यवसाय होता क्या है। व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो एक व्यक्ति द्वारा धनोपार्जन यानी कि धन उपार्जन, धन कमाने के लिए की जाने वाली जो क्रियाएँ हैं वे सभी व्यवसाय में सम्मिलित होती हैं। चाहे वो रोजगार हो, पैसा हो, मजदूरी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, उद्योग हो, ये सभी कार्य व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। जो व्यावसायिक संगठन है उसके कितने स्वरूप हैं, अर्थात एक व्यक्ति कौन कौन से रूप में या कौन कौन से स्वरूप में अपना जो व्यवसाय है वह शुरू कर सकता है या अपना व्यवसाय चला सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, व्यावसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं मुख्य रूप से पांच स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें पहला है एकल स्वामित्व व्यवसाय, जिसे हम एकाकी व्यापार भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तीसरा है साझेदारी व्यवसाय। चौथा है सहकारी समिति और पाँचवा है संयुक्त पूंजी कंपनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एकल स्वामित्व व्यवसाय या एकाकी व्यापार क्या है। नाम से ही पता चल रहा है एकल स्वामित्व व्यवसाय या एकाकी व्यापार में अकेला व्यक्ति व्यापारी होता है। वह स्वयं अपना व्यापार स्थापित करता है, समस्त लाभ स्वयं प्राप्त करता है और यदि व्यवसाय में हानि हो जाए तो समस्त हानि के लिए भी वह स्वयं ही जिम्मेदार होता है, अर्थात इसका जो दायित्व है वह इसमें असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब होता है कि यदि एकाकी व्यापार में या एकल स्वामित्व व्यापार में यदि हानि हो जाती है और हानि की भरपाई के लिए व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं वो यदि पर्याप्त नहीं रहती हैं तो व्यापारी को अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी व्यवसाय की जो हानि है उसकी भरपाई करनी पड़ती है। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय केवल भारत में ही प्रचलन में है। इसके अंदर एक हिंदू परिवार के समस्त जो सदस्य हैं वे सम्मिलित होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में परिवार में सबसे बड़ी आयु का जो व्यक्ति है वह व्यवसाय में कर्ता कहलाता है, अर्थात परिवार का जो मुखिया है वह व्यवसाय में कर्ता कहलाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो कर्ता है उसका दायित्व असीमित होता है, अर्थात व्यवसाय में यदि हानि हो तो वहां पर कर्ता को अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी हानि की भरपाई करनी पड़ती है। बाकी जो सदस्य हैं वे सहस मानसी कहलाते हैं। सहस मानसियों का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है। तीसरा है साझेदारी। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति मिलकर के किसी भी लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं वो साझेदारी कहलाती है। भारत में साझेदारी अधिनियम वर्तमान में 1932 प्रचलन में है। साझेदारी में सभी साझेदारों का जो दायित्व है वह असीमित होता है। यदि साझेदारी में हानि होती है तो सभी साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी दायित्व को पूरा करना पड़ता है। सहकारी समिति। सहकारी समिति में कम से कम 10 व्यक्ति अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। ये 10 व्यक्ति आपसी आर्थिक हितों के लिए कोई भी वस्तु खरीदते हैं और फिर उसे आपस में बांट लेते हैं।
उसी प्रकार से अपना जो लाभ है उसे भी ये स्वयं आपस में बांटते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन राज्य के रजिस्ट्रार के पास करवाना पड़ता है। अगला है संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी, कंपनी का अर्थ या कंपनी की परिभाषा। कंपनी विधि विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी अपनी एक सारो मुद्रा होती है। इसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी किसी भी सदस्य पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा कोई भी व्यक्ति कंपनी पर भी वाद प्रस्तुत कर सकता है।